अब वर और वधू को विवाह के पवित्र गठबंधन में बांधिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनोहरि। मेरा सपना अधूरा नहीं रह सकता। क्या बात है माते, बाहर सबका घमंड तोड़ते तोड़ते घर का सामान क्यों तोड़ने लगे? अरे अब तक तो उनकी होने वाली बहू बॉर्डर पार पहुंचती होगी। क्या बात है माता, दुश्मन को हराने के बाद भी कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची। हार वरदान की नहीं हमारी हुई है राना। वीर उस लड़की की छोटी बहन के साथ शादी कर रहा है। वो लड़की जिसने हमारे सामूहिक विवाह का प्लान चौपट किया था। वरदान के घर में कभी भी नई बहू नहीं आ सकती। मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार है वो लोग। उन लोगों के घर में खुशियां नहीं आ सकती, कभी नहीं। स्ट्रेंज, वीर को तो अपनी मंगेतर से बहुत प्यार है, तो उसकी छोटी बहन से शादी करने के लिए उसने हाँ कैसे कर दी? चिंता मत करो माता, हारी हुई बाजी राणा को जीतना है आता। कांस्टेबल अशोक तुरंत बेस पर रिपोर्ट करो। सर ये उन लड़कियों की ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है जिनके नकली बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं। आर्य सर, बुलबुल का जन्म प्रमाण पत्र। कौन है? हट जा रास्ते से। वो भाई, वो हट ले नहीं तो ट्रक चला दूंगा। पागल है ये। राणा तोड़े दिल और हड्डियां भी है तोड़ता, लेकिन जो तोड़े कानून। राणा उसे नहीं छोड़ता। पुलिस है शायद। हाँ, इसने मुझे ढूंढ लिया। अब वर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाए। अब वधू अपना हाथ वर के हाथ पे रखे। Oh,
मैं जानू खाटू श्याम जी, मैं ठीक ना कर रही। जो लड़की अब तक खुद नाबालिग लड़कियों का ब्याह रुकवाने के लिए डटी रही, आज उसका खुद का ब्याह 17 साल की उम्र में हो रहा है और उसे पता तक ना है। और उसका ब्याह एक ऐसे निष्ठावान, उसूलों के पक्के पुलिस अफसर के साथ हो रहा है। जो पुलिस अफसर इतनी सारी नाबालिग लड़कियों का ब्याह रुकवाने की लड़ाई लड़ता रहा, उसे खुद को ना पता कि वो एक नाबालिग लड़की से ब्याह कर रहा है। पर शायद यही आपकी इच्छा है और यही उन दोनों की नियति। मैं आपके फैसले के खिलाफ ना जाऊंगी और ये सच मैं सबसे छुपाऊंगी। आज आपके सामने खड़ी होकर मैं आपसे भीख मांगूंगी उन दोनों को जीवन में हर कठिनाई से बचाना और उन्हें साथ रखना। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। अगर नहीं सुधरी तुम जैसों की फितरत, तो ये राणा सिखाएगा जान लेकर करनी लड़कियों की इज्जत। आप कौन? एसीपी वीर फोन नहीं आए। दृष्टि, मैं डीएसपी राणा चुनावत। तुम्हारी तो एसीपी वीर के साथ शादी है ना आज। देखो तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें मंडप तक लेकर जाऊंगा। एसीपी वीर तुम्हारी राह देख रहे होंगे। तुम आओ मेरे साथ आओ। वो लड़कियां? दृष्टि तुम लड़कियों की चिंता मत करो, मेरी टीम है उन्हें संभाल लेगी। तुम्हारी शादी है आज, चलो मेरे साथ प्लीज। अब अगले फेरे में वधू आगे आएगी। आज उन दोनों ने हवन कुंड की पवित्र अग्नि के सामने फेरे लिए और आज उसी पवित्र ज्योत में मैं ये राज हमेशा के लिए जला दूंगी। बुलबुल के नाबालिग होने का हर प्रमाण जलकर राख हो जाएगा।
डेली मैं हमेशा तेरे साथ ना ऐसे ही चिपक के रहूंगी एकदम गोंद की तरह। मैं नहीं जा रही सासरे वासरे, आपको रोज मारे को ऐसे ही डांट लगानी है ठीक है। अब तो चली जाएगी, तुम्हारे को कुएं से कूदने से कौन रोकेगा। तारे को मैं ही रोकूंगी, बस तू ना मारे को 2-3 घंटे पहले बता देना। मारा सासरा थोड़ा दूर है ना। कवर साहब, हरी बुलबुल बहुत भोली है, बचपन से इसे विश्वास है कि जो घर में 2 हंसों का जोड़ा रखे तो रिश्तों में प्यार बढ़ता है। आज भी अपने अच्छे सपने संजो के रखने के लिए ये पंखों वाला नजर बटू अपने सिराने रख के सोवे। सबकी पसंद नापसंद, जन्मदिन, दवाइयां, सब कुछ याद है से मुंह जुबानी, लेकिन खुद खाना खाना भूल जावे। कुछ ऐसी मीठी और वैसा ही सोचे खबर सचो, जो हमारी बुलबुल से भूल से भी भूल हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा और हमेशा उसकी ढाल बनकर रक्षा कीजिएगा। तू ना तूने अचार के बिजनेस की टेंशन मत लेना, अब पहले जैसे चलाते थे ना हम वैसे ही चलाएंगे। मैं थारे दरसा से बात कर लूंगी। लाडू, थारे को इस घर के लिए जितना करना था ना मैं जी जान लगा के कर ली, अब थारे सपनों की पोटली में नए सपने लिखने का समय आ गया। तूने अब तक हमारे लिए दुआएं लिखी ना, तारे नए परिवार के लिए लिख लूं। बाबा साहब, बाबा साहब ध्यान रखना। ध्यान तो तन्ने हमारी इज्जत का रखना है बुलबुल। पुरखों के नाम पे कोई पांचना आने देना। हाँ, इज्जत हवा में उछालने के बाद अब तमाशा देखने आई है छोरी।
थारा बाबा थारे लिए। माँ, हमारी बात एक बार सुन, हमारे को एक मौका तो दो। एक मौका? हाँ, आपको नहीं पता हमारे क्या हुआ। और थारे को पता यहाँ क्या हुआ, जब तू शादी का मंडप छोड़ के भाग गई? भागी नहीं थी मैं माँ। हाँ, मैंने झूठ बोला था घर से निकलने के लिए, लेकिन मैं वापस आने वाली थी पर मैं वापस आ नहीं पाई। मारे को तुम्हारी सारी शान बात सब मट्टी में मिला के रख दी तूने। तुम्हारी पगड़ी उतर गई, मैंने नाक रगड़नी पड़ी दूसरों के पाँव में, माफी मांगनी पड़ी सबके सामने तारी वजह से। मर गई हम सबके लिए, अंकल जी, आप एक बार अपनी बेटी पर विश्वास रख के उसकी बात सुन तो लीजिए। चली जा, भगोड़ी कहीं की भगोड़ी मत बोलिए पापा, मैं भागी नहीं थी। मारे को किडनैप किया गया था, गुंडे मारे को ले जाके बेचने वाले थे, वो तो इन्होंने मुझे बचाया। आप सबको हमारे पे यकीन नहीं, कोई बात नहीं, पर वीर करेंगे। कहाँ है वीर? वीर कहाँ है? उनको पता है हमारे को उनसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी शादी का जोड़ा पहन के अभी आती हूँ, अभी भी शादी का शुभ मुहूर्त बचा है, अभी आती हूँ। वीर की शादी हो चुकी है दोस्ती, उसी शुभ मुहूर्त में। कंवर सा की शादी बुलबुल के साथ हो चुकी है। अरे मैंने बुलबुल से शादी कर ली है। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? ऐसा कैसे हो सकता है वीर बुलबुल? दृष्टि, 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 संभालो, संभालो, दृष्टि, संभालो अपने आप को। कैसे हो सकता है? क्यों? तूने और कोई चारा छोड़ा था हमारे पास? ये समाज हमें कोई जरूरत नहीं ऐसे सफाई देने की, होती कौन है ये सवाल जवाब करने वाली? हमारे मुंह पे कालिक पोत के अब आ गई है तमाशा देखने। चल गेल सफे, तू घर चल और छोड़। हमारी हवेली के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तुम्हारा कभी अपनी मनहूस शकल भी मत दिखाना। माफी मांगने के बहाने आने की भी कोई जरूरत नहीं है।
और इसीलिए मैंने बुलबुल से शादी कर ली पापा, और बुलबुल आपके घर की बहू है। वीर, तूने बिना पूछे बिना बताए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? तू जानता नहीं इस परिवार ने कितना बड़ा धोखा दिया हमें, और इस बात की क्या गारंटी है कि जो सिचुएशन तू बता रहा है वो झूठ नहीं है? नहीं। तू चुप हो जा छोरी। थारा बाबा साहब कहीं कर सके है, कितना गिर सके आज देख लिया हम सब ने। और थारे को क्या लग रहा कि थारी बोली हुई किसी भी बात का मैं भरोसा करूंगा, विश्वास करूंगा? बोला नहीं हूं मैं कि तूने अपने बाप का साथ देने के लिए पहले भी झूठ बोला है? पर मैं इस वीर, थारे को अपनी ड्यूटी निभानी है, निभा। इस छोरी को रतन से दूर रखना है, रख। पर इससे शादी करके इससे रिश्ता निभाने की जरूरत ना है, मैं ऐसा होने भी ना दूंगा। जा, जहां से इसे ले आया था वहीं छोड़ा चुपचाप, जा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं पापा। तू मन्ने ना बोल रहा है? मन्ने, इस छोरी के लिए? अरे मन्ने, इस घर के लिए सुलक्षणा जैसी सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए थी। ऐसी लड़की ना, जिसके संस्कारों पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास ना है। पापा, मैं अपने फर्ज, अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता। सामूहिक विवाह रोकने में इस लड़की ने अकेले मेरी मदद की है, तो मैं इसे बिना इसकी गलती के अकेले कैसे छोड़ देता? मैंने बुलबुल से अब शादी कर ली है, उसकी जिम्मेदारी उठाई है, फेरे लिए हैं, और उन फेरों में वचन दिया है कि पूरे जीवन में बुलबुल की रक्षा करूंगा। ये बात आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है पापा? आपने आजीवन मुझे ये बात सिखाई कि हमेशा अपने फर्ज, अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को रिश्तों से ऊपर रखना। मैं बुलबुल को शादी करके इस घर की चौखट पे ले आया हूँ पापा, और आज से बुलबुल इस घर की बहू है। ये छोरी इस घर की बहू ना बन सके। बात खत्म। मैं अपनी सुलक्षणा को क्या जवाब दूंगा? इस झूठे धोखेबाज परिवार का एक भी इंसान हमारे घर में प्रवेश ना कर सकता है। पापा प्लीज। चीची, मुझे तुमसे बात करनी है। दृष्टि, कहां चली गई थी तुम और यहां कैसे आई तुम? वो भी राणा के साथ। मैं जानता हूं कि यहां जो कुछ भी हुआ ना, इन सबके पीछे तुम मां बेटे का ही हाथ होगा। वीर, हाथ जोड़ते हैं? आज नहीं वीर,
तरफ देखो, ये बच्ची अकेली पहले ही बहुत कुछ भुगत चुकी, हमारी मेहमान है, अब और तमाशा मत कर। दृष्टि, दृष्टि, वीर, तूने हाथ ही अपने सवाल खड़े कर दिए। अरे एक बार बेचारी की हालत तो देख ले। दृष्टि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे बात करनी है दृष्टि, चलो मेरे साथ। वीर, ये हाथ पकड़ने का हक तुम खो चुके हो वीर। दृष्टि मुझे तुमसे बात करनी। बस वीर, हक जताने का बड़ा शौक है ना तुझे, तो अपने होने वाली साली से शादी करने के बजाय दृष्टि का इंतजार करता। बड़ी हेकड़ी है ना तुझे, ईमानदारी की, न्याय की, तो दृष्टि के साथ इतना बड़ा अत्याचार करने से पहले तूने एक बार भी सोचा कैसे नहीं वीर, कैसे? दृष्टि थक गई है बेचारी, परेशान है, टूट चुकी है, अकेला छोड़ दे इसे। दृष्टि मेरी बात, माते आप दृष्टि की अच्छे से नजर उतार दो, ताकि इसकी जिंदगी का हर काला साया हमेशा के लिए इससे दूर हो जाए। जला दो इसे। दृष्टि अंदर चलो। चीची, चलो दृष्टि। देख ली इन छोरियों की परवरिश। अठे तो एक बेटी को फर्ज निभाने के नाम पे ब्याह करके ले आए, तो दूसरी सारा दिल दुखा के दुश्मन के घर पहुंच गई। मैं मानता हूं कि मारे से गलती हो गई, मैं देवेंद्र का असली चेहरा ना पहचान पाया। अरे पर मारी गलती से तू तो सीख, छोड़ा इसे जहां से ले आया था, वरना ये भी अपनी बहन की तरह थारा फायदा उठा के थारे को धोखा देके यहां से भाग जाएगी। नहीं, मैं नहीं भागूंगी, बुलबुल प्रॉमिस, नहीं भागूंगी मैं। दृष्टि राणा के साथ क्या वो पुलिस स्टेशन गई थी? वहां जाकर पता करना पड़ेगा।
मैं वीर कठा चला गया बिना बोले। पापा विशेष भाई गए हैं ना वीर भाई से बात करने, आप शांत हो जाइए, आइए अंदर चलते हैं, आइए ना पापा आइए। रुक जा, आज इस घर में इस घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश होना था, थारे जैसी झूठी लड़की को इस घर की दहलीज पार करने का कोई हक ना है, समझी? पापा साहब, मैं थारा पापा साहब ना हूं, ना तो थारी इस घर में कोई जगह है और ना ही कोई अपना। चुपचाप अपने घर लौट जा, जा। पापा इतनी रात को बेचारी अकेले कहां जाएंगी, आज रात इन्हें अंदर आ जाने देते, वैसे भी बाहर इतनी ठंड हो रही है। ये वीर की जिम्मेवारी है, वीर इसे अकेला आया था तो वीर ही इसे अपने घर वापस ले जाएगा, आने दे उसे। वीर पुलिस स्टेशन में, हमें उसे क्लियरली सोचने का मौका देना चाहिए। ये सब कुछ इसके और इसके परिवार के कारण हो रहा है। तुम चलो जाओ अपने अपने कमरे में जाओ, और खबरदार खबरदार जो इस पे कोई दया दिखाई या इसे इस घर में लाने की सोची भी है तो इस घर की दहलीज को पार करके अपनी घटिया परवरिश इस घर के भीतर मत ले आना। देखा पापा, आप चाहे जितना भी रोक लेते लेकिन मां ने अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा ही लिया। ये मत सोचना थारे इस नाटक से हमारा मन पिघल जाएगा या मैं थारे परिवार को माफ कर दूंगा। हमदर्दी पाने के लिए थारे बाप ने ऐसे कई बार कई नाटक करे हैं, दूर रह मारे से मारे परिवार से और मारे सुलक्षणा से। कहां जा रहे हो तुम दोनों? अपने कमरे में जाओ, जाओ। अगर मां यहां होती भी तब भी
आशीर्वाद देना तो दूर की बात, उसका चेहरा तक नहीं देखती। आज इस घर में किसी बाहर वाले का गृह प्रवेश ना होगा। इस घर के दरवाजे थारे लिए कभी ना खुलेंगे। जिस चौखट पे ना हो सम्मान, उसे पार करके ना करवाओ अपमान। थारे को कितनी बार समझाया बुलबुल कि बिन बुलाए मेहमान की कोई कदर ना होवे। थारे को हमारी बात समझ ही कहाँ आती है। आज जब जमुना के बेटे के जन्मदिन पे थारे को ना बुलाया गया था, क्यों गई तू? सजा मिलेगी थारे को, पूरा दिन तो इसी गोले में रहेगी। माँ, बुलबुल तो उड़ने के लिए होती है ना, फुदकने के लिए। आप ऐसे अपनी बुलबुल को गोले में रखोगे ना, खाटू श्याम जी आपको बहुत पाप चढ़ाएंगे। तो जा, जा। मैं तो वहां अचार बेचने गई थी। भाजरा हो या बाटी, चोखा अचार है सबका साथी। किंग टॉम, अब देखना आपको कैसे फटाफट ऑर्डर आएंगे। रे मारी बोली लाडू, थारा दिल भले ही साफ हो, लेकिन जिस घर के दरवाजे थारे स्वागत में ना खुले और जिस घर की चौखट को पार करने का न्योता थारे को खुशी खुशी ना मिले, उसे पार करके कभी अपना आत्मसम्मान ना खोना।